सो हेलो माई डियर स्टूडेंट्स हु आर मोस्ट वेलकम ऑन डब्लू एस अकेडमी दिस इज एन सी आर टी साइंस सीरीज ठीक है आज हमें पढ़ना है चैप्टर थर्ड इसका टाइटल क्या है इसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक एक धागे से कपड़ा कैसे बनता है ठीक है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम पढ़ेंगे ये क्लास सेवन्थ की एन सी आर टी है फाइबर क्या होता है फाइबर इसमें लिखा है कि इट्स अ यहाँ पे देखो आप स्क्रीन पे आ रहा होगा फाइबर क्या होता है ये होता है लॉन्ग फाइन कंटिन्यूस थ्रेड लॉन्ग होता है लंबा सा फाइन मतलब एक क्वालिटी होती है इसमें बिल्कुल स्ट्रेट कंटिन्यूस होता है थ्रेड होता है बड़ा सा धागा होता है और फिलामेंट्स और ओप्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स जो फाइबर्स हैं या तो ये प्लांट्स से मिलते हैं हमें या एनिमल्स से मिलते हैं एक ये धागे होते हैं ना थ्रेड लॉन्ग होते हैं कंटिन्यूस होते हैं दो तरह के फ़ाइबर्स होते हैं या तो होते हैं एनिमल फ़ाइबर्स और प्लांट फाइबर्स एनिमल फ़ाइबर्स और प्लांट फाइबर्स दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो एनिमल से हम हासिल करते हैं उनको हम एनिमल फ़ाइबर बोलते हैं जो हम प्लांट्स से हासिल करते हैं उनको हम प्लांट फाइबर बोलते हैं एनिमल फाइबर्स आर ऑबटेन फ्राम टू सोर्सेस सिलिक एंड वूल जो एनिमल फाइबर्स uh, होते हैं दे आर ऑबटेन फ्राम टू सोर् या तो ये सिलिक के होते हैं या इनसे हम सिलिक बनाते हैं या वूल के फाइबर से होते हैं ठीक है जैसे शीप से हम वूल लेते हैं ना तो वूल फाइबर बनता है ठीक है तो एनिमल से जो फाइबर होते मिलते हैं हमें वो दो तरह के होते हैं एक तो सिलिक और वूल ठीक है शाबाश कैसे सिलिक हम सिलिक किस में आता है एनिमल फ़ाइबर में आता है सिलिक हम सिल्क वर्म्स से हमें हासिल होता है जैसे मलबरी ट्री हम उगाते हैं ना बहुत सारे उन पर सिलिक वर्म्स होती हैं तो सिलिक कहाँ से हमें ऑप्टेन होता है सिल्क वर्म्स से ठीक है और ये एनिमल्स में आता है और वूल कहाँ से हम ऑप्टेन करते हैं शीप गोट याक से ठीक है तो ये भी एनिमल फ़ाइबर में आता है सिल्क एंड वूल तो सिल्क हम सिल्क वर्म से लेते हैं और वूल हम ऑप्टेन करते हैं शीप गोट याक से लिक वूल और एनिमल फाइबर्स इसलिए हम बोलते हैं स्लिक और वूल जो है वो एनिमल फाइबर्स होते हैं हेयर्स ऑफ कैमल लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेसड टू यील वूल जो कैमल होता है ना ऊंट होता है जहाँ लामा होता है या बाकी जो ऐसे कुछ जानदार हैं जिनसे हम ऐसे फाइबर्स uh, हासिल करते हैं वो भी वूल ही बनाते हैं ठीक है उनको ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो वूल होता है शीप हेयर इज शेयर ऑफ फ्राम द बॉडी स्कॉट स्टॉटिड ड्राइड डाइड सुपन एंड वोन टू वूल जो शीप के जो ऊपर से वो होता है ना बाल वो जब उनको शेव किया जाता है साफ तो उनको भी वूल वाले फाइबर फिर जो है बनते हैं ठीक है सिल्क वर्म्स आर कैटल ऑफ सिल्क मॉथ आपको पता है वो पहले ए, ए, स्लिक वर्म जो होते हैं ना उसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ से वो गुजरती है एक स्टेज उसका आता है जब वो कैटल कैटल होता है ठीक है जूरिंग दियर लाइफ साइकिल द वर्म्स पिन कुकूंस ऑफ स्लिक फाइबर्स तो जो वर्म्स होती है यही बनाते हैं वो कोकूंस वाइट जैसे कोकूंस होते हैं ठीक है थीके? वो यही बनाते हैं स्लिक फाइबर्स आर मेड अप प्रोटीन जो स्लिक फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते होते हैं धागे स्लिक फाइबर्स फ्राम कोकूंस आर सपरेटेड आउट एंड रियलीड इन दिलिक थ्रेड्स अब ये जो वर्म्स होते हैं ये कोकूंस में स्लिक फाइबर्स बनाते हैं फिर इनको कोकून से सपरेट किया जाता है और स्लिक थ्रेड्स में इसको बनाया जाता है वीवर्स वीव स्लिक थ्रेड्स इनटू स्लिक क्लॉथ जो वीवर्स होते हैं वो स्लिक के इन दागों को फिर इनको बुनते हैं और फिर एक स्लिक का कपड़ा बनाते हैं ऑब्वियसली स्लिक के दागों से स्लिक का कपड़ा बनेगा वूल के दागों से वूल का कपड़ा बनेगा है ना जैसे पश्मीला शॉल होता है वो हम शीप वाले वूल से निक निकालते हैं और एक हाई क्वालिटी का फाइबर निकलता है वहाँ से उन कुछ टाइप्स ऑफ शीप से तो जैसे लद्दाख वाला एक होता है गोट उससे हमें वो निकलता है ऐसा वूल जैसे फिर हम उसमें ऐसा शॉल बनाते हैं जो एक रिंग से निकले उतना पतला होता है लेकिन बहुत गर्म होता है ठीक है अच्छा वूल के क्या सोर्सेज ऑफ वूल वूल कहा के सोर्सेज क्या है सबसे पहला शीप ठीक है जैसे लद्दाख से भी मशहूर है वो पश्मीना उनका शीप से निकलता है हमारा वूल याक से निकलता है याक होती है ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख में शीप तो यहाँ से भी आप देखोगे कहीं किसी भी एरिया से लेकिन याक जो होते हैं पर्टिकुलरली ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख हिली रीजनस में होती है अंगोरा गोट अंगोरा गोट भी एक किस्म है गोट से निकलता है कैमल से लामा में अल्पाका अल्पाका होता है साउथ अमेरिका में ठीक है तो इनसे क्या निकलता है वूल वूल ये ऑफ है। शेयरिंग एस एच ई ए आर 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 आई एन जी शेयरिंग हम बोलते हैं जब हम आ, शीप को क्या करते हैं शेव करते हैं ना उनकी स्किन से उठाते हैं वो सारा वूल इवन उसमें उस वूल उस के साथ साथ उनकी एक स्किन के ऊपर की थिन लेयर भी उठती है प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर जब हम अब इस वूल को प्रोसेसिंग करते हैं फाइबर बनाने के लिए उसमें क्या क्या आता है स्कोरिंग शेयर्ड हेयर इज़ क्लीन एंड वाश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट ये हमने इस क्लास सिक्स में भी पढ़ा था पहले हम क्या कहते हैं इस जो ये शेवड वूल होता है ये हेयर होते हैं इनको हम साफ़ करते हैं वॉश करते हैं ग्रीस डस्ट टू रिमूव करते हैं इनसे डर्ट जो भी होती है क्योंकि शीप्स तो होते हैं ग्रास लैंड्स में इनमें डर्ट भी होगा इनको हम सबसे पहले साफ़ करते हैं उसके बाद सॉर्टिंग होती है क्लीन हेयर इज सेंट टू अ फैक्ट्री वायर हेयर ऑफ़ डिफरेंट टेक्स्स आर सेपरेटेड सॉर्टिंग में क्या होता है जो ये इनके जो बाल होते हैं ना इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं डिफरेंट टेक्स्चर होता है तो अलग अलग टेक्स्चर के अलग अलग किए जाते हैं सेपरेट किए जाते हैं हेयर इज़ सेंट इन टू कार्डिंग मशीन वायर द लूज वूल फाइबर्स आर कॉम्बड इन टू अ शीट एंड देन ट्विस्टेड इन द रोप ऑफ और सिल्वर उसके बाद एक मशीन में भेजते बेज, हैं इनको जिसको हम कार्डिंग बोलते हैं कार्डिंग मशीन उसके बाद हम जो लूज़ फाइबर्स होते हैं उनको हम एक शीट में कॉम करते हैं और उनको धागे जैसा फिर हम रोप जैसा बनाते हैं ट्विस्ट करके दिस सिल्वर इज़ ट्विस्ट एंड स्ट्रचड इन यार्न तो इसी को फिर हम ट्विस्ट करके और स्ट्रच करके एक यार्न उसको एक और एक चीज़ बनाते हैं इसको हम यार्न बोलते हैं और इस यार्न इज़ वाउंड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल इसी यार्न को हम फिर ये कहते हैं वो बड़े बड़े वो बॉल्स जैसे बनाते हैं ना वूल के आपने देखा भी होगा सड़क पे ये करते हैं यूजुअली तो बॉल्स ऑफ वूल हम बनाते हैं पहले तो हम इन, जो कार्डिंग मशीन में डाल के जो लूज लूज फाइबर्स होते हैं उनको एक शीट में डालते हैं फिर उनको ट्विस्ट करके एक रोप बनाते हैं फिर उन रोप को स्ट्रेच करते हैं यार्न बनता है फिर यार्न को क्या करते हैं राउंड बॉल्स बनाते हैं वूल के ठीक है तो ये था किसके बारे में ये फाइबर्स के बारे में इतना ही देखिए एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ में उसके बाद एक और चैप्टर है इसका टाइटल है चैप्टर नंबर इसका इसका टाइटल टाइटल क्या है इसका टाइटल है हीट ठीक है अब हम देखते हैं हीट के बारे में क्या लिखा है हीट क्या होती है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जैसे सनलाइट आती है उसमें भी uh, होती है uh, ज, ज, uh, हीट होती है ना हीट होती है ये एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो एक बॉडी को क्या करेगी Uh, गर्म करती है या अगर कम हो जाएगी तो कोल्ड करेगी हॉट और कोल्ड बनाएगी एक बॉडी को टेम्परेचर क्या होता है आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर होता है जो मतलब फिर हमें फील होता है ना कि गर्मी कितनी है कोल्ड कितना है जो सेंस हम करते हैं हमारा स्किन करता है उसको वो टेम्परेचर ही होता है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो टेम्परेचर सिंपली होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं ये उसका मेजर होता है थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर तो एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं उस डिवाइस को बोला जाता है थर्मोमीटर शाबाश हीट इज कॉज ऑफ टेम्परेचर हीट क्यों जनरेट होती है बिकॉज ऑफ़ ट जब डिग्री इंक्रीज़ हो जाती है हॉटनेस की तो हमें महसूस होता है हम महसूस करते हैं कि हीट है तो हम गर्मी महसूस होती तो है तो उसी को हम हीट बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर और बॉडी टेम्परेचर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है डॉक्टर के पास वो यूजली यूज़ uh, किया जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज फ्राम थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका रेंज थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर ट्री थर्मी तो बाकी पर्पज के लिए हमें लेबॉट्री थर्मोमीटर्स और इनका रेंज होता है माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड बहुत बड़ा रेंज होता है बाकी टेम्परेचर थर्मोमीटर्स का उनका माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड से लेके वन हंड्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज होता है लेकिन जो हमारी बॉडी को नापता है टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज होता है थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है बात समझ में आ गई नॉर्मल टेंपरेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड अब अगर हमें चेक करना होगा हमारा फीवर है या नहीं है हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं है हमारा टेंपरेचर कब नॉर्मल होगा जब हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाएगा थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसपोर्ट बाई कंडक्शन अगर सॉलिड आप, आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें जब हीट ट्रांसफर होती है ना एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड वो होती है कंडक्शन से एक उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन अगर एक सॉलिड से लेके दूसरे सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी जैसे कि हम चाय के कप वो तो लिक्विड होता है से गरम कप हमने रखा गरम कप हमने किसी दूसरी चीज़ पे रखा वो भी गरम हो गया दोनों सॉलिड है तो हीट ट्रांसफर जो होगी ना हम उस बोलते हैं कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्विक्शन अब अब अगर लिक्विड्स में हीट ट्रांसफर हो जाएगा

कंडक्टर्स ऑफ हीट अब जिस मटेरियल जो मटेरियल अलो करेगा हीट को पास करने में उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट और वो कंडक्ट करते हैं ना हीट को द मटीरियल्स विच एलो हीट द मटीरियल्स वी डू नॉट एलो टू हीट टू पास them दैम इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स अब ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते हैं उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं ठीक है कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो हीट को पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं और कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते हैं ठीक है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है इट्स अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास टू विद बल्ब कंटेनिंग मरकरी एट वन एंड जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना ये ग्लास का बना होता है लंबा होता है और उसको एक जो मुंह में हम रखते हैं ना जो वाला एंड उस एंड पे इसमें बलब होता है उस बल्ब में होता है मरकरी मरकरी एक एलिमेंट है वही मरकरी होता है इसमें देयर इज अ किंग नियर द बल्ब इट रीड्स अ रेंज ऑफ टेंपरेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड अब ये जो क्लिनिकल है ये किस रेंज वाला टेंपरेचर मेजर करता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर करता है और नॉर्मल टेंपरेचर क्या है हमारी बॉडी का थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड कोडा सा एलमेंट होता है थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी होता है जो होता है Uh, जो बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी के बगैर जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब भी कहीं पे भी हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा इसमें भी क्या होता है इट अ कॉलम ऑफ मर्क्री एंड क्लोज इन ग्लास केसिंग द कॉलम इज कंटिन्यूस विदाउट एनी किंग इट मेजर्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मैंने अभी बताया माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड से लेके वन हंड्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर करते हैं टेम्परेचर को ठीक है शाबाश अच्छा अब यहां पे एक पॉइंट आता है सी ब्रीज का सी ब्रीज होता क्या है ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी अब दिन में क्या होता है जो लैंड होता है ना वो ज्यादा हीट अप होता है देन वाटर सी में वाटर होता है वो धीरे धीरे हीट अप होता है लेकिन लैंड जो है ना वो फास्ट क्या करता है हीट पकड़ता है Warm air above the land rises and cold air from the sky.

रात में क्या होता है रात में सी का टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि सन अवेलेबल नहीं होता है लैंड का टेम्परेचर कम होता है रात में सी से ब्रीज यहां की ओर आ जाती है ठीक है दिन में लैंड से सी की ओर ब्रीज चली जाती है रात में सी से यहां की ओर ब्रीज आ जाती है कोल्ड एयर ठीक है तो रात में वहां का एयर जो होता है वो गर्म होता है वो यहां आता है और यहां का कोल्ड एयर वहां जाता है ठीक है और इसी वजह से एक सी ब्रीज होती है फ्रॉम सी टू लैंड सी से लैंड तक एक जो ब्रीज आ जाती है जो मूविंग एयर आता है इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं लैंड ब्रीज क्या होता है एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन द सी द वार्म एयर अबो द सी राइजेज एंड दिस वार्म एयर इज़ रिप्लेसड बाई कोल्डर एयर फ्राम द लैंड प्रोड्यूसिंग द लैंड ब्रीज़ अब नाइट के टाइम क्या होता है लैंड जो होता है वो वो कूल होता है लेकिन सी जो होता है उसके ऊपर वार्म एयर होता है ना क्योंकि लैंड नाइट के टाइम इसलिए कूल होता है क्योंकि सन अवेलेबल नहीं होता है अब सी का ऊपर एयर जो होता है उसमें सी वाटर में थोड़ा सा क्या होता है गर्मी होती है अभी वो जल्दी फास्ट लूज़ नहीं करता हीट तो वो वार्म एयर यहाँ आ जाता है और यहाँ का कूल एयर वहाँ जाता है ठीक है तो जो यहाँ का कोल्ड एयर सी की ओर चला जाता है उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं और जो वहाँ का एयर दिन में यहाँ आता है उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं तो दिस वार्म एयर इज़ रिप्लेसड बाई कोल्डर एयर फ्राम लैंड अब देखो नाइट के टाइम सी के ऊपर वाला एयर वार्म होता है और लैंड में क्या होता है कूल cool टेम्परेचर होता है वहाँ का वार्म एयर यहाँ आता है यहाँ का कोल्ड एयर वहाँ जाता है नाइट के टाइम इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं बात समझ में आ गई ट्रांसफर ऑफ हीट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो अगर हम दो गर्म एक गर्म चम्मच और एक ठंडा चम्मच आपस में मिलाएंगे गरम चम्मच से हीट चली जाएगी कोल्डर चम्मच के ओर क्यों क्योंकि जब हम दो हॉटर ये दो सॉलिड्स को मिलाएंगे ना दो हॉट दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाएंगे एक गर्म होगा एक कोल्ड होगा तो जो गर्म चीज होगी ना वहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगी कोल्ड की ओर जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा हीट फ्लो होती है जहां पे हीट ज्यादा होती है वो फ्लो हो जाती है वहां से कम हीट वाले एरिया में इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट जो हीट फ्लो होती है उस बॉडी से जो हायर टेम्परेचर पे होगी उस बॉडी तक जो लोअर टेम्परेचर पे होगी तीन तरह है देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर होता है एक होता है कंडक्शन दूसरा होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन तीन तरह से थ्री देयर आर थ्री वेज जिससे हीट ट्रांसफर होता है एक कंडक्शन होता है कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन अब कंडक्शन क्या होता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ़ एन ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ यहाँ साइड से ये ऑब्जेक्ट गर्म है और यहाँ साइड से ठंडा है तो इस एरिया से यहाँ की ओर हीट चली जाएगी इसको हम कंडक्शन बोलते हैं ठीक है अब एक ऑब्जेक्ट ही ये एक साइड से गर्म है और एक साइड से ठंडा है अब इस गर्म से ट्रांसफर हो जाएगी ठंडे एरिया की ओर क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट है ना टच है आपस में तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं ठीक है इसके बाद एक कन्वेक्शन कन्वेक्शन हो गया फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूड फ्रॉम प्लेस ऑफ हाई टेम ऑफ हाई टेम्परेचर टू प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूड इस तरफ कन्वेक्शन होता है जब किसी फ्लूड में जब वाटर होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वाटर है ये फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ पर गर्म है अब ये यहाँ की ओर चला जाएगा जब आ, आ, ये हीट फ्लो होगी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ फ्लूड ठीक है एज अ मीडियम फ्लूड है बीच में तो मूवमेंट ऑफ फ्लूड से जब हीट ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं कन्वेक्शन रेडिएशन क्या होती है इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एयर इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम रेडिएशन होता है जब डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस टाइम पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है रेडिएशन के टाइम मीडियम की जरूरत नहीं होती है कंडक्शन के टाइम टच होना जरूरी है वो ए सेम सेम बॉडी में होता है यार बिल्कुल एक साथ होती है बॉडी ठीक है और कन्वेक्शन के टाइम फ्लूड मीडियम इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह हीट को ले जाने में लेकिन रेडिएशन के टाइम हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है डार्क कलर कलर ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स दैट इज रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर कलर क्लोथ्स इन समर जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू लाइट जो ब्लैक कलर होता है ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा एज कम्पेयर टू वाइट कलर इसलिए हम प्रेफर करते हैं समर में लाइट कलर क्लोथ्स पहनना क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते और हमें गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती है विंटर्स में हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्मी लगती है और हमें गर्मी चाहिए भी विंटर में वुलन क्लोथ्स कीप वार्म जूरिंग द विंटर इसलिए जो वूलन वुलन के क्लोथ्स होते हैं वो भी हमें वार्म रखते हैं जूरिंग विंटर इट इज़ सो बिकॉज वूल इज पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रेपड इन बिटवीन द फाइबर्स जो वूल होता है ना जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो उसको कम नहीं होने देता है क्योंकि वो बॉडी को गर्म रखता है क्योंकि ये जो है पोअर कंडक्टर ऑफ हीट है ये ट्रांसफर नहीं करता क्योंकि देखो विंटर में क्या होता है बाहर से ठंड होती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी बराबर होगा नॉर्मल होगा अब अगर वूल जो होगा अगर ये गुड कन्ट्रॉफ हीट होगा ये क्या करेगा हम हॉटर बॉडी से हमारी बॉडी से एनवायरमेंट में हीट ट्रांसफ़र करेगा लेकिन ये पुअर कन्न ट्रॉफ हीट है इसलिए ये क्या करता है ये हीट ट्रांसफ़र होने नहीं देता है बाहर ठंड होता है लेकिन हमारी बॉडी गर्म होती है फिर भी हीट ट्रांसफर इसलिए नहीं होती क्योंकि हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं वो दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट यारोर पोअर कंडक्टर्स ऑफ ही थोड़ी सी ठंड लगती है लेकिन उतनी नहीं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ठीक है तो हीट के बारे में था हमने इसमें पढ़ा कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में रेडिएशन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट लेकिन उस ट्रांसफर ऑफ़ एनर्जी लेकिन उस टाइम हमें जो मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है कन्वेक्शन के टाइम हमें फ्लूड मीडियम की ज़रूरत पड़ती है हीट को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह और कंडक्शन के टाइम क्या होता है टच ज़रूरी होता है वो विद इन द बॉडी क्या होता है हीट ट्रांसफ़र हो जाता है ठीक है बात समझ में आ गई और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड जो लेबॉट्री थर्मोमीटर्स होते हैं उनका रेंज क्या होता है माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड टू तो वन हंड्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका रेंज क्या होता है उसका रेंज होता है शाबाश थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू तो फोटी टू डिग्री सेंटीग्रेड यही एन सी आर टी के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको एग्ज़ाम्स में फिर आप बोलते हो ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए ये ये सारे एन सी आर टी साइंस में है ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल हम और दो चैप्टर्स फिर करेंगे ठीक है टिल हैव अ नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़